हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप शेकअप। गाइस, आज मैं करने वाली हूँ एक रिव्यू वीडियो। मैंने भी कुछ दिन पहले पर्पल हॉल वीडियो दिखाया था, तो मैंने उसमें कुछ नए ब्रांड्स भी दिखाए थे और काफी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाए थे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें से किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू देखना चाहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि दी आपको देखना था ला ऑर्गेनो का जो एलोवेरा जेल मैंने आपको दिखाया था, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसका डिटेल रिव्यू आप देखना चाहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक डिटेल रिव्यू कर ही दिया जाए, क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं। एलोवेरा जेल के बिना तो आपको पता ही है कि गर्मियां इनकम्प्लीट है, मेरी तो इनफैक्ट बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। मैं एलोवेरा जेल की दीवानी हूं, मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। मैं इस प्रोडक्ट को काफी दिनों से यूज कर रही हूँ, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 वीक मुझे हो चुका है मैं इसको यूज कर रही हूँ। और चलो इसके बारे में आपको आज हम डिटेल में मैं आपको रिव्यू करूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू करूंगी, ये मुझे अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा और 5 में से मैं इसको कितने पॉइंट्स दूंगी और ये रिकमेंड करूंगी या नहीं करूंगी, ये सारी चीजें हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं आज। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगी मुझे, बहुत डिफरेंट सी पैकेजिंग है। ग्रीन कलर की प्लास्टिक बॉटल है तो टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं है। और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से यहाँ से ओपन होगा तो आप इसमें से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और इसे टक करके लॉक हो जाता है तो बिल्कुल भी प्रोडक्ट आपका लीक वगैरह नहीं होगा। और गाइज, ये प्लास्टिक की पैकेजिंग आती है और ये 99% एलोवेरा जेल है। इसमें लिखा है कि ये इसमें ना ही सिलिकॉन है, ना सल्फेट है, कोई भी मिनरल ऑयल्स नहीं है, इसमें किसी भी तरह के कलर्स ऐड नहीं किए गए हैं और कोई भी सिंथेटिक फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है। इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। तो चलो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं प्रोडक्ट को, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह का आता है, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का है और जेल बेस्ड ही है। और आप इसको इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए, आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ है, एकदम सॉफ्ट है, काफी वाटरी है और बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें कोई चिपचिप वाला नहीं है और कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, कोई केमिकल की कोई स्मेल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कोई केमिकल वाली या कोई भी दवाई जैसी स्मेल आती है ना, जैसे किसी किसी एलोवेरा जेल में, तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी लाइट सी स्मेल है, काफी अच्छी, मतलब माइंड को थोड़ा सा सूदिंग करने वाली स्मेल है, मुझे काफी अच्छी लगी। और गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इस एलोवेरा जेल को किस किस वे से यूज कर सकते हो, क्योंकि एज यू ऑल नो अब समर्स आने वाली हैं, समर्स में तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। अगर आप कोई भी अब समर्स आ रही हैं तो आप एलोवेरा जेल तो आप पक्का खरीद लीजिए। और इस प्रोडक्ट के जितने भी लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो पहले आप देख लीजिए इसके क्या क्या यूजेस हैं, आप किस किस तरह से इसको समर्स में यूज कर सकते हो। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं तो इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ एलोवेरा जेल को। तो सबसे फर्स्ट यूज मैं आपको करके बताऊंगी कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जहां जहां मुझे, जैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है और गर्मियों में तो सबसे ज्यादा ऐसे दिखता है फेस के ऊपर, तो जैसे अगर आपको थोड़ा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है या स्कार्स का प्रॉब्लम है, आप उसको लगा लीजिए, आधा घंटा लगाइए, उसके बाद आप चाहे सो सकते हैं। और सेकंड यूज आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे कि आप, अगर आप कोई मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, आप एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अगर मेरी स्किन थोड़ा सा भी ड्राई फील करती है आर्म्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर, तो मैं इसको फुल बॉडी पे कहीं पे भी अगर आपको रैशेज हो रहे हैं या ड्राइनेस फील हो रही है तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ मॉइस्चराइजर, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज्यादा लाइट वेट लगता है क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाने का मन भी नहीं करता। तो आप इसको लगा सकते हो और आप बहुत ही ज्यादा लाइट फील करोगे और बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड फील करोगे। तो उसके बाद मैं इसको यूज करती हूँ अपने हैंड्स के ऊपर। तो अगर मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन नहीं लगाना होता है तो मैं इसको एज अ हैंड क्रीम भी यूज कर सकती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको हैंड पे लगा लिया, मेरे नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है और मेरी हैंड बिल्कुल एकदम, जैसे टैनिंग वगैरह भी हुई रहती है, हम घर से बाहर निकलते हैं तो टैनिंग को रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अब आप देख सकते हो मेरे नेल्स भी बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाते हैं और स्किन भी बहुत अच्छे से ग्लो करती है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस के ऊपर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुझे टैनिंग हो रही है, मैं घर से बाहर से भी अभी आई हूँ, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेती हूँ, मुंह धोने के बाद मैं इसको पूरे एलोवेरा जेल को एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेती हूँ, एज अ फेस क्रीम यूज़ कर लेती हूँ और मेरा फेस एकदम से
हाइड्रेटेड फील करता है, ठंडा ठंडा फील होता है। और मेरे अगर मुझे अगर डार्क सर्कल्स वगैरह का भी प्रॉब्लम है तो या कुछ भी है ना, तो मैं उसको लगा लेती हूँ अपने फेस पे। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, और मसाज 2 मिनट में आप मसाज कीजिए, पूरे फेस में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बेस्ट क्रीम है फेस के लिए। तो अगर गाइज आप बहुत ही ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं धूप में, गर्मियों में, तो बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में जलन जलन सी फील होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। तो ये ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं मोस्टली करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ऐसे 2 कॉटन पैड्स ले लेती हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। और उन दोनों को आप ऐसे रब कर लीजिए आपस में, और तो इक्वल क्वांटिटी में आप थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए, एक एक ड्रॉप ही बहुत बहुत है। आप इसको लगा लीजिए और अपनी आईज के ऊपर इस तरह से रख सकते हो आप, और आप चाहे तो कोई भी फेस पैक भी आप लगा सकते हो। और इसको आप रख लीजिए अपनी आईज के ऊपर, और आधा घंटा रखिए, 10 मिनट रखिए, वो आपका चॉइस है। आप उसके बाद देखेंगे इतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट आता है ना आईज के ऊपर, इतनी ठंडक फील होती है। अगर आप गाइज बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, स्पेशली मैं आपको सब कुछ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ज्यादातर तो वर्किंग वुमेन्स उनके लिए है, क्योंकि एलोवेरा जेल सबके लिए अलग अलग तरीके से ही काम करेगा, तो आप अपनी यूज के हिसाब से काम कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं घर से बाहर ज्यादा देर रहती हूँ तो मैं अपनी आईज के ऊपर तो लगाती ही हूँ, लेकिन मैं इसको एज अ फेस पैक भी यूज करती हूँ। आप देख सकते हो मैंने थोड़ी सी मोटी लेयर लगाई है, और पूरी नेक पे और अपने फेस पे आप इसको एज अ फेस पैक यूज कर सकते हो। और इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी आईज के ऊपर वो रख सकते हो इस कॉटन पैड्स को, आपकी आईज को भी आराम मिलेगा, आपके फेस को भी आराम मिलेगा, एक अंदर तक आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। बस आप इसको आधा घंटा रखिए, और इसको पानी से धोने से पहले आप इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मुंह धोना ही है। लेकिन मुंह धोने के बाद थोड़ा सा ये होता है कि एकदम स्प्लैश करते हैं ना जब आप ठंडा ठंडा पानी इसके ऊपर, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा फेस फ्रेश लगता है। तो गाइज मेरा नेक्स्ट यूज मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैं खुद पर्सनली वाकई में बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। मुझे कभी कभी ना जैसे वेदर चेंज होता है तो थोड़ा सा डैंड्रफ का इश्यू हो जाता है, थोड़ा सा क्राउन एरिया पे मुझे ज्यादा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा जेल को लेती हूँ, थोड़ा सा इस तरह से पार्टीशंस कर करके थोड़ा थोड़ा एलोवेरा जेल लगाती हूँ अपनी स्कैल्प के ऊपर। तो अगर मुझे थोड़ा सा भी डैंड्रफ का इश्यू है, जैसे मुझे क्राउन एरिया पे ज्यादा होता है, तो अगर आपको इसी तरह का सेम प्रॉब्लम है ना, तो आप इस तरह से लगा लीजिए। तो आप चाहे तो इसको रात को लगा के सो सकते हैं, चाहे तो हेड बाथ लेने के थोड़ा देर पहले भी आप इसको लगा लेंगे ना, अच्छे से मसाज कर लेंगे, तो आप वाकई में देखेंगे, आपको पता है ये एलोवेरा जेल कितना अच्छा है हमारी स्कैल्प के लिए, डैंड्रफ इश्यूज के लिए, इचिंग के लिए। और आप देख सकते हो मैंने इसको अपने हेड के स्कैल्प पे लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल और लिया और अपने पूरे हेयर के ऊपर लगा लिया। तो मैं एक तरह का हेयर मास्क का भी ये काम करता है। इसके बाद जब आप शैम्पू करेंगे तो उसके बाद आपको चाहे आप कंडीशनर स्किप भी कर देंगे ना, तो भी आप देखेंगे कि आपके बाल इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाते हैं, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कंडीशनर की। तो आप इसको 1 घंटा पहले चाहे रख लीजिए, चाहे ओवरनाइट रख लीजिए, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया इफेक्ट आएगा। तो गाइज मेरा नेक्स्ट यूज मैं आपको बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा जेल को मैं यूज करती हूँ अपने आईब्रोज के लिए। यस, आईब्रोज के लिए भी गाइज आप इसको यूज कर सकते हो। आपको लेना है सिर्फ 1 ड्रॉप और 1 क्यूटिप ले लीजिए। अगर आपके आईब्रोज बहुत ज्यादा लाइट हैं, कहीं कहीं से ज्यादा ग्रोथ है, कहीं कहीं से कम ग्रोथ है, तो आप इसको लगाइए। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप 1 महीना आप इसको करके देखिए, आप डेली थोड़ा सा लगा के रात को सो जाइए, आपके जो आईब्रोज हैं वो काफ़ी हद तक थिक होने लग जाएंगे, ग्रोथ आ जाएगी। और अगर आपको ऐसे लगते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा आईब्रोज जो है ना वो गिरते हैं, क्योंकि आपको पता है आईब्रोज भी हमारे गिरते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। और सेम प्रोसीजर मैं अपने आई लैशेज के लिए भी करती हूँ। तो मेरे आप देख सकते हो मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छी वाली ग्रोथ आए, थोड़े से आपकी जो आईब्रोज हैं वो थिक नज़र आएँ, ज़्यादा हैवी हैवी से नजर आए, तो आप ये वाला ट्रिक भी अपना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद आपको धो देना है, आप चाहे तो वॉश कर भी सकते हो, अगर आप नहीं भी वॉश करेंगे ना तो भी वो कोई नुकसान नहीं देगा। तो गाइज प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मिलेगा 299 रुपीज का, और इसका क्वांटिटी है 120 ग्राम्स, 299 रुपीज का है। लेकिन आपको पता है purple.com पे हमेशा डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो अगर आप इसके कॉम्बोज वगैरह भी अगर आप लेते हैं, जैसे मैंने कॉम्बो जो लिया था, मैंने लिया था एलोवेरा जेल और इसका हेयर ऑयल लिया था, कॉम्बोज में आपको 40-50% डिस्काउंट मिल जाएंगे गाइज। और अगर आप शैम्पू और कंडीशनर भी लेते हो तो भी आपको, अगर आप कॉम्बो में कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो आपको 40-50% डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि एक
वाओ डील है, तो आप इसको जरूर ग्रैब कीजिए। समर्स में तो आपको एलोवेरा जेल लेना ही है, तो आप ये वाला जरूर ट्राई कीजिए एक बार मेरे कहने पर। बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट है गाइज, मैं इसको दूंगी 5 में से 5 स्टार्स, मुझे इसमें एक भी कॉर्न नजर नहीं आया। तो ये था गाइज मेरा आज का रिव्यू वीडियो, आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।